26 साल पुराने चिनकारा केस में सलमान खान को बिश्नोई समाज देगा माफी, लेकिन सिकंदर एक्टर को लेनी होगी ये शपथ। कुछ दिनों पहले सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर चली गोलियों की वजह से उनका परिवार और फैंस काफी चिंतित हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना को अभी कुछ ही दिन हुए थे कि सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड और पाकिस्तानी एक्ट्रेस सोमी अली ने एक पब्लिक माफीनामे के साथ बिश्नोई समाज से एक्टर को काला हिरन मामले में अब माफी देने की गुजारिश की है। सोमी अली की माफी के बाद अब बिश्नोई समाज ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए सलमान खान के आगे शर्त रख दी है। दरअसल सोमी अली ने एक्टर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कहा था कि वो उनकी तरफ से माफी मांगने के लिए तैयार है, जिस पर अब बिश्नोई समाज ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। ऑल इंडिया बिश्नोई समाज के अध्यक्ष देवेंद्र बुड़िया ने पाकिस्तान एक्ट्रेस के माफीनामे को खारिज करते हुए एक ऑफिशियल बयान जारी किया है। उन्होंने समाचार एजेंसी IANS से बातचीत करते हुए कहा, अगर सलमान खान खुद इस मामले पे माफी मांगेंगे तभी वह इसे स्वीकार करेंगे। काले हिरन का शिकार करने की गलती सोमी अली खान ने नहीं की, सलमान खान ने की थी। उन्हें बिश्नोई समाज के सामने आकर खुद माफी मांगनी होगी। मंदिर में जब आकर वो माफी मांगेंगे तो ही उन्हें क्षमा किया जाएगा। उसके अलावा उन्हें ये शपथ लेनी होगी कि वह दोबारा भविष्य में कभी भी इस तरह की गलती नहीं करेंगे। इसके अलावा वह जानवरों और पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे। अगर वह ऐसा करते हैं तो उनकी माफी को समाज स्वीकार करेगा। आपको बता दें कि साल 1998 में जब सलमान खान हम साथ साथ हैं की शूटिंग कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने तब्बू, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे और नीलम कोठारी संग मिलकर काले हिरन का शिकार करने का आरोप लगा था और मामला दर्ज हुआ था। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए भैया टॉक को सब्सक्राइब करें।